रावण से पूछा गया। रावण ने कहा कि महाराज मुझे अजर अमर का पर प्राप्ति दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने जो कहा था तो वो करना था, वो बर्फ दे दिया। तो दूसरे भाई कुंभकर्ण जी ने कहा कि मुझे 6 महीने सोने का और 6 महीने खाने का और कुछ काम करने का ये बार आप मुझे दीजिए। तो वर्मा जी ने वो बार उनको दे दिया। तीसरे भाई थे विभीषण जी, विभीषण जी को कहा कि आप क्या बार चाहते हैं। तो विभीषण जी ने कहा कि मुझे ईश्वर भक्ति चाहिए। उस जमाने में तो क्या राक्षसी राक्षसमय ज्यादा था, वो भी वो कहाँ थे, राक्षस कुल में थे। थोड़ी उल्टा हो गया था कि राक्षस कुल में जन्मे और राक्षस कुल का आदमी और क्या भक्ति की बात कर रहा है और भक्ति का पर प्राप्त कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उनको वो वर दे दिया। होता क्या है कि तत्पश्चात वो भक्ति करते गए और धीरे धीरे वो भगवान श्री रामचंद्र जी के दर मिले। वो बात की कहानी है, वो फिर आएगा, फिर कहूँगा। इसके बाद क्या होता है कि जब तीनों भाइयों ने इच्छा के अनुसार पूरा फल प्राप्त कर लिया, फिर अपने दरबार में गए। इच्छा में क्या होता है कि नाराज जी को तीनों लोगों के घूमने वाले थे, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, जिसको आज भी लोग क्या कहते हैं कि नाराज या कई चीज इस तरह से गलत शब्द कहते हैं। तो नाराज जी होते कि तीनों लोगों की सारी खबर रखते थे नाराज जी। तो नाराज जी ने रावण से कहा कि कैसे हो, क्या हो, कैसे। तो उनने कहा भाई, रावण ने कहा कि हमने ऐसा ऐसा पद प्राप्त कर लिया, ये सब कुछ हो गया। तो नाराज जी ने कहा एक काम और करो आप कि जाओ शिव जी से और प्रदान प्राप्त कर लो। तो रावण जाते हैं और शिव जी के पास जाते हैं और वहां जाके पूरा पर्वत ही हिला देते हैं और शिव जी उनसे काफी क्रोधित होते हैं। इतने में पार्वती जी कहते हैं कि हिमालय वो पर्वत को हिलाते हिलाते रावण की उंगली भी दब जाती है और पार्वती जी कहते हैं जब वो चिल्लाते हैं तो पार्वती जी कहते हैं कि अब छोड़ दो, ये जो भी चिल्ला रहा है और जैसा भी है आपके पास वर प्राप्ति के लिए आया है, आप पूछ लो और इनको छोड़ दो, इस तरह से परेशान मत करो। तो शिव जी फिर छोड़ देते, फिर रावण भाग जाता वहां से भी। जब ये वहां से वापस आ जाते हैं तो रावण ने तो इतना सब कुछ मांग लिया था, सब कुछ रावण के पास था। अब होता क्या है कि धीरे धीरे उस जमाने में कि ऋषि मुनि ही ज्यादा रहते थे, इनने क्या किया, आज पूरा सब कुछ हम देखे, हम करे, वो करे, कोई पूजा ना करे। इन्होंने जहां भी देखा जो भी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनको मारना शुरू कर दिया। और अपने जो दूत थे, दूत मीन्स जो अपने आस पास के लोग थे, जो विशेष सहयोगी या भरोसेमंद लोग होते हैं, उस टाइम पर उनको ड्यूटी कहा जाता था, उनको ये कहा जितने भी ऋषि मुनि हैं इनका खून जो इनको ज्यादा से ज्यादा मार के लाएगा, इनका खून गले में भर के ले आओ, मतलब इनको कहीं ईश्वर की भक्ति में मत रहने दो, इनको पूरा खत्म कर दो। इस तरह से
जब बहुत ही अत्याचार होने लग गया तो सारी देवी देवता, ये ऋषि मुनि पहले देवी देवताओं के पास गए, देवी देवताओं का राजा इंद्र होता था, और इंद्र फिर भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और पूरा सारा हाल बताते हैं कि सारे ऋषि मुनि परेशान होते हैं। और ऋषि मुनियों के या जब भी जो भी हम लोग आज भी पूजा करते हैं, देवताओं को शक्ति तब मिलती है जब हम पूजा करते हैं। उस टाइम पर भी वही होता था कि ऋषि मुनि जब पूजा करते थे तब देवताओं को शक्ति मिलती थी। तो हुआ क्या कि जब ऋषि मुनि परेशान होने लग गए और जब पूजा ही नहीं हो रही थी तो देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती, उल्टा राक्षसों को ज्यादा शक्ति मिल रही थी। और राक्षस इतना बड़ा तप कर रहे थे, उन्होंने तो सारे देवी देवताओं को जीत लिया था, उनका मन इच्छा बहुत प्राप्त हो रही थी। तो इस तरह से जब इंद्र के पास भी, देवताओं के राजा इंद्र के पास भी कोई हल नहीं निकला, तो ये भगवान विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु ने जब ये सारा वेदांत सुना इनका, तब आपस में एक सलाह होती है कि ठीक है, इस तरह की कहानी अगर हो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी आज की लीला यहीं तक रहेगी और कल की लीला थोड़ी बहुत मैं हल्का हल्का आप लोगों को बता दूं कि भगवान विष्णु के पास जब ये सारी बातें चली गई हैं और भगवान विष्णु ही खुद इस फैसले को लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे धरती पर कहाँ जन्म लेना है, कहाँ भगवान राम के नाम पर कहाँ क्या करना है, ये सब कहानी कल होगी। सभी भक्तजनों से मैं आशा करता हूँ कि कल हमारे गांव में, हमारे रामला मंचन में भगवान का जन्म होगा और सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए जरूर आइएगा। सभी लोगों से यही इच्छा है, बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री रामचंद्र जी की रामपति लक्ष्मण लाल की सीता मैया की। Love it, God.
श्रृंगार आदि वस्त्र आभूषण इस रंग मंच में कौन सा अभिनय करने का डर है? वहां पे तुमको पता नहीं कि आज ग्राम सभा मंडोली में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी का लीला का मंचन हो रहा है। प्राणनाथ श्री राम चंद्र जी की लीला को आप अपना महत्व क्यों दिया करते हैं? तो प्रिय इसका कारण सुनिए, आज हमारे समाज में सभ्यता का बहुत प्रभाव है, इसलिए कुछ विद्वानों ने क्षतिग्रस्त धर्म मातृपितु सेवा सत्य धर्म की शिक्षा देने के लिए कुछ महापुरुषों का जीवन लीला का मंचन करते हैं, लेकिन दर्शन समाज इस लीला के प्रदर्शन से क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? प्रिय इस अभिनय से पिता का आज्ञा पालन करने वाले और सिंहासन त्यागने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी और अपना कुल का नाश करने वाले रावण के चरित्र का जैसे बहुत शिक्षा प्राप्त करेंगे। वाह प्राणनाथ, तब तो यह अभिनय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही प्रदर्शन है। लीला करने से शरीर की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कार्य आरंभ होने से प्रार्थना करें। देवा
हे प्रभु प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बताओ भागो मन चाहो। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि सुनिए। Yeah.
वत्सरी विषण मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, अतः मांगो मन चाहा भर मांगो। Yeah.
Thank you.
Yeah.
बंदे की आवाज से चिल्ला रहा है। Bye.
सुनो मेरी सुरों से
भक्तों को दिखाओ, दास भक्तों को सुरों की मौत आई है, सुरों की मौत आई है। मौत आई है, सुरों की मौत आई है।
आज आज्ञा है आपको कुछ भी दे लेकिन कर देना ही पड़ेगा। अरे हमारे पास तो रक्त और मांस के अलावा कुछ भी नहीं है। सही कुछ न कुछ तो दो। उसकी तरह सी दे दी।
यदि ऐसी बात है तो क्या